ध्यान करेंगे, ज्योति अवतरण की ध्यान साधना। मेरे राइट साइड में है यहाँ एक मोमबत्ती रखी, इसको हम जलाएंगे जब ध्यान चालू करेंगे तब। तो उसके पहले ध्यान का एक ध्यान की व्याख्या, क्यों करते हैं ध्यान, कितने प्रकार के होते हैं, सारी व्याख्या उसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद फिर ध्यान करेंगे 15-20 मिनट, और उससे तुमको एक अनुमान लगेगा कि कितनी शक्तिशाली साधना है अंतर्त्राटक बहिर्त्राटक बिंदु योग की साधना, ज्योति अवतरण की साधना। तो आज की साधना का नाम है ज्योति अवतरण का की ध्यान साधना, ज्योति अवतरण की ध्यान साधना। जो आज हम गीत कर रहे हैं ये बहुत सुंदर है, क्योंकि दीप है, गढ़ फिर कोई दीप नया तू माटी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश। गढ़ फिर कोई दीप नया तू मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। सारे रे ग ग म म प प ध प म ग म प प प ध प प ध प म ग म ध ध ध नि ध प ध प म ग म प प प ध प प ध प म ग म ध ध ध नि ध नि ध ध प प म म ग ग रे रे स स स। गढ़ फिर कोई दीप नया तू मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। सारी यो अंधियारी छा रही, अंधी हुई दिशाएं सारी यो अंधियारी छा रही। किरण तोड़ती सांस रोशनी जीने को छटपटा रही, किरण तोड़ती सांस रोशनी जीने को छटपटा रही। ऐसा कुछ ठहराव आ गया आज विश्व की राह में, ऐसा कुछ ठहराव आ गया आज विश्व की राह में। गमनी ध धनी ध सानी नि ध ध प गमनी ध प प ध प म ग म म प म ग रे ग पथ भूले बंजारे जैसी पीढ़ी चलती जा रही, पथ भूले बंजारे जैसी पीढ़ी चलती जा रही। कोई बाहु पकड़ ऐसे में सही दिशा का ज्ञान दे, कोई बाहु पकड़ ऐसे में सही दिशा का ज्ञान दे। शक्त जरूरत आज जगत को उस सच्चे दरवेश की, उस सच्चे दरवेश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया भूमि यह जन्म दिए जिसने अनगिन अवतार को, देव भूमि यह जन्म दिए जिसने अनगिन अवतार को। ज्योति शिखा बन हरती आई यह जग के अंधियार को, ज्योति शिखा बन हरती आई यह जग के अंधियार को। हमको है विश्वास की धरती बाज नहीं इस देश की, हमको है विश्वास की धरती बांझ नहीं इस देश की। गमनी ध धनी ध ध सानी नि ध ध प गमनी ध प प ध प म ग म प स ग म ग रे ग प ध प ग म ध नि ध प ध सा।
से कोई नया मसीहा देगी इस संसार को, फिर से कोई नया मसीहा देगी इस संसार को। इसकी मिट्टी उड़ कर बैठी सूरज के भी भाल पर, इसकी मिट्टी उड़ कर बैठी सूरज के भी भाल पर। नित्य उभरी आवाज यहाँ से, नित्य उभरी आवाज यहाँ से, शांति प्रेम संदेश की, शांति प्रेम संदेश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया, जबकि प्रलय अंकारी घन से गिरा हुआ आकाश है, यद्यपि प्रलय अंकारी घन से गिरा हुआ आकाश है, फिर भी मानव के भविष्य से मेरा मन न निराश है, फिर भी मानव के भविष्य से मेरा मन न निराश है। शायद इसी मोड़ के आगे मानव का निज लक्ष्य हो, शायद इसी मोड़ के आगे मानव का निज लक्ष्य हो। धमनी धा धनी धा जसानी नी धा धा पम नी धा पा पा धा पम गा मा मा पम गरे गा सा गा मा गरे गा पा धा पा गा मा धा नी धा पा धा सा। तिमिर के पीछे शायद कोई नया प्रकाश हो, इसी तिमिर के पीछे शायद कोई नया प्रकाश हो। जब तक मेरा देश मनुजता होना नहीं निराश तू, जब तक मेरा देश मनुजता होना नहीं निराश तू। निकट जन्म बेला है शायद, निकट जन्म बेला है शायद, किसी नए अवधेश की, किसी नए अवधेश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया तू, मिट्टी मेरे देश की, मिट्टी मेरे देश की। गढ़ फिर कोई दीप नया, गढ़ फिर कोई दीप नया, गढ़ फिर कोई दीप नया। पिछली बार के प्रश्न, आज के प्रश्न। पूज्य गुरुदेव मथुरा से शांति को जाने के बाद फिर से कभी मथुरा क्यों नहीं गए? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक महत्व है? ठीक इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान कृष्ण भी मथुरा लौटकर फिर कभी नहीं आए। बिल्कुल दोनों चीज़ एक से एक दूसरे को रिप्लिकेट करती हैं। जब भगवान कृष्ण चले गए ब्रज छोड़ करके, तो उन्होंने उद्धव को भेजा, जाओ सूफ उनका हाल लेके आओ गोपियों का। तो गोपियों ने जो कहा, उद्धव मन में उनका ध्यान कैसे करें? उद्धव मन सो बीस, सो मन मन दस बीस, दस बीस तरह के मन होते हैं। एक हतो एक था तो गया श्याम संग, एक श्याम के साथ चला गया और उसके बाद फिर अब मन हमारा नहीं लग पाता। तो उन्होंने आके बताया कि आपको याद करते हैं। उसके बाद फिर श्री कृष्ण नहीं गए, श्री कृष्ण उसके बाद चले गए द्वारका। लगभग गुरुदेव के जीवन में भी ये क्रम आता है कि गुरुदेव फिर मथुरा नहीं गए, कभी भी नहीं गए। एक बार विदाई ले ली उन्होंने 1971 की 20 जून 1971 में विदा लेते ही, फिर उसके बाद उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। यहीं से गाइड करते रहे, बताते रहे, सब समझाते रहे, पर उसके बाद गुरुदेव मथुरा स्टेशन के पास से निकले, मथुरा स्टेशन से निकले।
आगरा होते हुए हम आवलखेड़ा गए पर मथुरा नहीं गए, और आवलखेड़ा गए तो भी 2 घंटे के लिए गए और वापस आ गए। ये मेरे ख्याल से उनकी नीति होगी कि जिसको छोड़ दिया सो छोड़ दिया, जिसको सौंप दिया सो सौंप दिया, अब वहाँ नहीं जाना चाहिए। या अवतारी पुरुषों की लीलाएँ ऐसी होती हैं। ध्यान लगाते वक्त बहुत नींद आती है, मन भी भटकता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता। सुझाव दीजिए। बेटा, पूरी लेक्चर की क्लास इसी की है। नींद आती है क्योंकि तमोगुण हावी हो जाता है, और ध्यान लगना इतना आसान नहीं है। ध्यान जिस दिन लग जाएगा उस दिन तुम सब सिद्ध पुरुष हो जाओगे, सिद्ध पुरुष, और उसके बाद तुमको फिर सब याद भी होने लगेगा। तुम देखना ये सब कुछ चीज़ हमको, हमारा मन लग जाता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान कैसे लगाएं, आज उसी की बात करेंगे। ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पर दोनों नेत्रों के बीच में ब्रोप्लेक्सस के पीछे आज्ञा चक्र, ये वाला, और ये जो है पिट्यूटरी क्यास्मा एक्सिस कहलाता है। पिट्यूटरी ऑप्टिक च्यास्मा, जो दोनों ऑप्टिक नर्व आती हैं वो जहाँ क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, और पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ होते हैं उन दोनों की जंक्शन पॉइंट पर आज्ञा चक्र होता है। इट इज़ नॉट ए ऑर्गेनिक बॉडी, ये एक तरह से सटलर प्लेक्सस है, सूक्ष्म चक्र, इसलिए इसको ये नहीं कह सकते कि हम उसको देख सकते हैं, हम केवल उस पर ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान करते वक्त चेतना शरीर से अलग हुई मालूम पड़ी, तेज़ रफ्तार से भटकती हुई भी, उसमें ऐसा लगा शरीर टेढ़ा हो गया। देखो, ध्यान करते समय तो कई प्रकार की अनुभूतियाँ होंगी। ध्यान करते समय तुमको लगेगा कि हमारी बॉडी सुन्न हो गई, हमारा पैर सुन्न हो गया, हमारा, क्योंकि तुम लोग एक पोजिशन बैठे हो ना इसलिए, और 1.5 घंटे बिठाता हूँ मैं तुम लोगों को, तो तुमको निश्चित रूप से लगता होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये फिजिकल हैं, इनकी कोई साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल या रिलीजियस कोई वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। आत्मज्ञान कैसे मिलता है, अगर आत्मा है तो उसे महसूस किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? देखो, आत्मज्ञान जो है ना उसको पाने के लिए ये जन्म मिला है तुमको। आत्मज्ञान पाने के लिए ही हमको ये जन्म मिला है कि हमारा वास्तव में वो ज्ञान कौन सा है सही, जिसके माध्यम से हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं, ऊंचा उठा सकते हैं, परमात्मा के नज़दीक ला सकते हैं। आदमी क्या करता है, उल्टा चला जाता है आत्मज्ञान से, उल्टा मन और शरीर की ओर, जबकि आत्मज्ञान हमको अंदर की ओर ले जाता है गहरा। यदि हम थोड़ा सा अपने को डीपर बना दें और थोड़ा सा अगर गहरा जाने की कोशिश करें तो आपको आत्मज्ञान के माध्यम से अनुभूति होगी। भगवान की अनुभूति कैसे होगी? भगवान है आदर्शों, श्रेष्ठताओं, सत्प्रवृत्तियों का समुच्चय, सम्मम बोनम ऑफ क्वालिटीज़, आइडियल्स एंड वर्चूज़, अच्छाइयों का समूह भगवान है। यहाँ अच्छाइयाँ हैं, आदर्श हैं, भगवान है। तो भगवान की अनुभूति संवेदना के रूप में होती है, संवेदना के रूप में, श्रेष्ठताओं के रूप में, करुणा के रूप में, आत्मीयता के रूप में, जो भी विचार हो श्रेष्ठ हो, हमेशा गलत विचार ना आने पाए। गलत विचार को जब भी आए, लिखा है गलत विचार ना आए उसके लिए क्या करेंगे, गलत विचार आए तो विचारों के विचारों से काट, विचारों को विचारों से काटो, बार बार अच्छे विचार बुलाओ, गलत विचारों को काटो, नेगेटिव विचार आए नेगेटिव विचारों को काटो, अश्लील विचार आए अच्छे विचारों से काटो, धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा। नींद में आने वाला सुबह का सपना सच होता है, ये सही है क्या? बड़ा ये सब फालतू की बात है, कोई सच नहीं होता। ऐसा होगा ना तो तुम लोग सवेरे ज़्यादा देर तक इसलिए सोओगे कि शायद सपना आता होगा, मत ऐसा मत सोचना कभी। गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक, अन्यास चिंतितो माम ये जना परिउपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग जो है वो हमारे जीवन में सही अर्थों में परमात्मा को स्थापित करने का नाम है, और उसको जब स्थापित करते हैं हम लोग तो स्थापित करने के बाद उसको मेंटेन करने का काम जो है वो योगक्षेम के माध्यम से होता है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को का योगक्षेम, योग का मतलब भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है, और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए गए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है, योगक्षेम। ये तुमको गीता में मिल जाएगा 22वें श्लोक, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, उसकी व्याख्या में अनन्य और योगक्षेम। अनन्य का मतलब होता है नो अदर। भगवान बहुत जेलस है,
भगवान ये चाहते हैं कि मेरे भक्त के चिंतन में मेरे अलावा और कोई ना आए, अनन्य, अन्य, नोबडी एल्स। अनन्य का मतलब होता है इंग्लिश में नोबडी एल्स, नो वन एल्स। आपके चिंतन में गलत विचार आए नहीं, आपके चिंतन में और कोई चीज़ और कोई व्यक्ति आए नहीं, और कोई चिंतन आए नहीं, केवल भगवान, 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 भगवान। बहुत बढ़िया श्लोक है आठवें अध्याय में, जो आदमी को बड़ा सही उपदेश देते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी समयों में माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध भी कर पर मेरा स्मरण कर। सभी समयों में, सभी समयों में, किसी भी समय में किसी और को मत आने दे। योग युक्तो भवार्जुनो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुनो, दोनों श्लोक एक ही अध्याय में हैं और बहुत बढ़िया। योग युक्त मतलब योग से जुड़ जा, योग के माध्यम से जुड़ जा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, इस श्लोक का क्या अर्थ, क्या यह अर्थ सही है? ईश्वर अवतार लेता है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या है? ईश्वर गुणों के परे है। सबसे बड़ी चीज़ तो याद रखना पड़ेगा, सत रज तम इन सब गुणों को पार कर, त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत है परमात्मा। परमात्मा संभवामी युगे युगे, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, संभवामी युगे युगे, प्रकृति को अपने अंदर अधिष्ठित करके वो अपना आना संभव बना लेता है। जब तक प्रकृति के नीचे है तब तक वो ईश्वर नहीं है, जब तक प्रकृति के ऊपर है वो ईश्वर है। तो जब आता है धरती पर तब भी ऐसे ही होता है, प्रकृति से ऊपर होता है वो, कभी कभी झलक दिखा देता है, जैसे श्री कृष्ण दिखाई जगह जगह। गुरुदेव के विश्वास को कैसे अर्जित करें, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करें जिससे हम सही रास्ते में चल सके, सही निर्णय, उनके बताए हुए इशारों पर चलो, उनके बताए हुए संकेतों पर चलो, उनके बताए हुआ जो विचार है उस विचार को जीवन में उतारने की कोशिश करो। तुमको टाइम मिले तो धीरे धीरे करके दो दो पेज, दो दो पेज हमारी वसीयत विरासत उनकी जीवनी पढ़ने की कोशिश करना, तुमको बहुत अच्छा चिंतन मिलेगा, तुम्हारा मन भी लगने लगेगा, तुम्हारा मन एकाग्र हो जाएगा। पूरे कैंपस में महर्षि दयानंद का चित्र या विचार कहीं नहीं दिखता, मन से हमेशा स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जाता है। बड़ा हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद है, महर्षि दयानंद हमारे आदर्श नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, परंतु अगर देखा जाए तो ऐसे तो सब लोग होना चाहिए, महर्षि दयानंद भी होना चाहिए और हमारे श्री अरविंद भी होना चाहिए और हमारे जितने महापुरुष हुए वो सब होना चाहिए। महर्षि दयानंद को मैं मानता हूँ कि बहुत ही विलक्षण स्तर की, उच्च कोटि की सत्ता थे वो, और उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, सब कुछ किया। पर यहाँ प्रदर्शनी लग जाएगी पूरी पूरी, अगर हम लगाना चालू करेंगे तो प्रदर्शनी लग जाएगी पूरी, इसलिए नहीं लगाया केवल। और स्वामी विवेकानंद की केवल एक मूर्ति बनाई, अभी भी वो अनवील होने के लिए पड़ी है मेरे लिए कि मैं कब उसको उसका वो करता हूँ। तो इसलिए क्योंकि महर्षि विवेकानंद तुम सब छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक आदर्श बन सकते हैं, इसलिए उनका हमने नाम रखा है। मनुष्य जब बड़े पद पर जाता है तो अहंकार आना स्वाभाविक है, क्या सबके जीवन में होता है, बड़े पद पर जाता है तो अहंकार आता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पद पर जाने के बावजूद भी अहंकार से मुक्त रहते हैं, क्यों? उनका रजोगुण जब है ना, जब तमोगुण और रजोगुण तमोगुण नहीं बढ़ने पाता तो वो सतोगुण में चले जाते हैं और फिर वो अहंकारी नहीं होते, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ, अनअज्यूमिंग पर्सनैलिटी, ऐसे रहते हैं बिल्कुल जिस ज़मीन पर रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम तो इनसे मिले पर पता भी नहीं चला कि इतने बड़े हैं वो, इसलिए कि आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने अपने आप को गुणों से परे कर लिया है। ध्यान करते समय सिरदर्द क्यों होता है? क्योंकि आप यहीं कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, बहुत सारा ध्यान लगा के यूँ इस तरह से यूँ आंखें बंद और पूरे के पूरा कोशिश, ये ताकत ये आज सिर फट जाए भले ही, पर ध्यान लगना चाहिए, गलत, ऐसा मत करना कभी। ध्यान करते समय मन को पूरी तरह से शांत, रिलैक्स्ड रखने की कोशिश करना चाहिए, बस अगर ये करोगे तो तुम्हारा ध्यान लगने लगेगा। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बनो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुतम। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे हमारे सभी छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सभी अध्यापकगण, हमारे सभी अधिकारीगण, आज का ध्यान है ज्योति अवतरण की ध्यान साधना। ज्योति अवतरित होती है। अवतरित कौन होता है? प्लेन होता है अवतरित, प्लेन नीचे उतरता है। ज्योति को लैंड करने के लिए ग्राउंड बनाना यहाँ पर और ज्योति को अवतरित करना। हमारा जीवन बहुत सारे अंधेरों से घिरा हुआ है, कर्म के, संस्कार के, पिछले जन्म के। हमारी मानसिक चेतना प्रकाश पाना चाहती है। प्रकाश का, ज्योति का, उस तत्व का, उस सत्य का, ताकि हमको समस्या से समाधान मिल सके। हमको हमारे जीवन में, अंतर जगत में अंधेरा बहुत है, अंधेरा बहुत है। हमारे कर्मों का ही अंधेरा है। और अगर हम जैसे किसी कमरे में घुसते हैं, इसी चलिए हॉल में मान लीजिए, इसी हॉल में अगर लाइट बंद हो तो ये प्रकाश नहीं है, ट्यूबलाइट नहीं है, बल्ब नहीं है, तो हमको टटोलना पड़ता है। पहली बात तो स्विच नहीं मिलता। स्विच कब मिलता है? स्विच तब मिलता है जब लाइट आ जाती है। बहुत देर से ढूंढते हैं और ऐसा यूँ हाथ यूँ लगाते हैं तो स्विच नहीं मिलता। अंधेरे में स्विच नहीं मिलता, ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है तो हमें टटोलना पड़ता है। अंधेरे कमरे में घुसने के लिए हमें दिए की ज़रूरत पड़ती है, दिए की ज़रूरत पड़ती है। गढ़ फिर कोई दीप नया, तो दिया जो है वो प्रकाश का स्रोत का प्रतीक है। दिया पात्रता का प्रतीक है, पात्रता का प्रतीक है। आपके अंदर अगर पात्रता है, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है डेवलप करने की, तो उसको डेवलप करो, विकास विकसित करो। दिया जो है उसके माध्यम से हम कोने कोने में छाए हुए अंधेरे को मिटा देते हैं। और हमें टॉर्च की ज़रूरत होती है, कहीं किस तरह के प्रकाश की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने आप में झांकें तो वास्तव में हमें भी ज़रूरत है प्रकाश की और ज्योति की। परमात्मा को उपनिषदों में एक नाम दिया गया है, ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतिषाम ज्योति ही। ये 13वें अध्याय का, गीता के 13वें अध्याय का 17वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। और तुमको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कितने रहस्यमय ज्ञान को कितने बढ़िया ढंग से दिया है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते। परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है, ज्योतियों का भी ज्योति, माया से भी अत्यंत परे, माया से भी अत्यंत परे। परमात्मा बोध स्वरूप है। ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वो जानने योग्य है और बोध स्वरूप है, जानने के योग्य, तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। ये भी बता दिया कि ज्ञान क्या है, वो ज्योति है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ज्योतियों में भी ज्योति है, ज्योतियों का भी ज्योति। और कहाँ है? यहाँ हृदय में। मित्रों, अगर हृदय में है तो हम देखते क्यों नहीं है? अंदर अपने हृदय में झांकते क्यों नहीं है? हमारी एनाटॉमी पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ, तो उस एनाटॉमी में हमको पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर एक बंडल होता है, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ फाइबर्स, परकिंजी बंडल ऑफ फाइबर्स, हिज बंडल ऑफ फाइबर्स, हिज एच कैपिटल, जिसने भी लिखा, जिसने भी परिभाषा दी, उसने एच कैपिटल, हिज फाइबर्स का बंडल जो है उनका, परमात्मा का है। और वो जो है वो ऐसे नोड है, साइनोएट्रियल नोड, यहाँ से सारा ट्रांसमिशन होता है उस पंप का जो ये है हार्ट। अगर हार्ट बंद हो जाए, हमारे कंडक्टिव डिसऑर्डर्स में जब हार्ट बंद हो जाता है तो सब कुछ बंद हो जाता है। जितने भी हार्ट अटैक होते हैं इनमें क्या होता है, हार्ट पंप करना बंद कर देता है बस, या आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। आर्टरी ब्लॉक होना अलग बात है और हार्ट का काम करना बंद कर देना ये अलग बात है। ये जो हिज बंडल है, परकिंजी फाइबर्स, यहाँ पर ये ज्योतिषमापि तज्ज्योति, ये है ज्योति, ये ज्योति है। जब हम कहते हैं कि किसी की ज्योति चली गई तो यहीं से जाती है पूरी पूरी। तो मित्रों, ये जैसे हम कमरे में प्रकाश दिया जलाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा इन सभी प्रकाशों का स्रोत है। जब हम परमात्मा का परिचय देते हैं तो कहते हैं, जहाँ कोई न हो लेकिन प्रकाश हो, न तद भाषेत सूर्यम न शशांको न पावक। 15वें अध्याय का 6ठा श्लोक, इसमें लिखा है,
न तद भासेत ये सूर्य न शशांक को न पावक। सूर्य शशांक का मतलब क्या होता है? शशांक चंद्रमा, चंद्रमा। पावक है का मतलब क्या हुआ है? अग्नि। न वहाँ सूर्य पहुँच पाता है, न वहाँ चंद्रमा पहुँच पाता है, न वहाँ अग्नि पहुँच पाता। ये तीन ही प्रकाश के स्रोत हैं, तीन ही प्रकाश के स्रोत हैं, ये नहीं पहुँच पाते। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। भगवान कहते हैं जहाँ जाने के बाद जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौट करके संसार में नहीं आता, वो परम धाम मेरा धाम, वो मेरा स्थान हो। अपनी लोकेशन भी बता दी, अपना स्वरूप भी बता दिया कि मैं कहाँ होता हूँ। 15वें अध्याय का 6 श्लोक। ये जो सूर्य है, एक सूर्य प्रकाश का स्रोत है, सुबह सूर्य उदय होता है पूरी दुनिया में प्रकाश फैल जाता है, बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत है। दूसरा है चंद्रमा, ये पूर्णिमा की रात्रि में बड़ा अच्छा लगता है, अमावस्या की रात में उसके न होने से हम बड़े उलझ भटक जाते हैं, पर जैसी जैसी पूर्णिमा आती है, अभी 3-4 दिन बाद पूर्णिमा आने वाली है, देखना उसके बाद तुमको कितना ज़्यादा बढ़िया लगेगा, सुंदर रात्रि अच्छी लगती है। फिर हम देखें तो प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ। तीसरा प्रकाश का स्रोत है अग्नि। अग्नि हमारे जीवन में प्रकाश का स्रोत है, आज तो जमाना विद्युत का है, पर क्या कहेंगे, विद्युत भी अग्नि ही है, विद्युत भी अग्नि ही है। अग्नि का ही दूसरा रूप विद्युत है। हम आग जलाएं, लकड़ी जलाएं, लैंप जलाएं, दिया जलाएं, लालटेन जलाएं, पेल ये कुछ भी जलाएं, बिजली का बल्ब जलाएं, ये सब अग्नि है, सब अग्नि है, अग्नि का रूप है। ये जो अग्नि है, कार चलते चलते आग लग गई, ये क्या है? ये भी अग्नि का रूप है। कार चल रही थी, चलते चलते आग लग गई, मौका लगा तो निकल गए बाहर, वो लोग नहीं तो नहीं निकल पाए। दो स्रोत हमारे जीवन में पहले से थे, जब धरती बनी तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी धरती पर था, तो लोग ऊपर देखते थे आग का गोला है ऊपर एक। फिर लोगों ने क्या किया, चकमक पत्थर को टकराया, जो गुफा में रहने वाला था ना आदमी, आदिम मनुष्य, उसने चकमक पत्थर को टकराया, तो उससे क्या निकली? आग। वो जो आग निकली उससे उसने सीखा खाना पकाना पहली बार। पहले वो कच्चा मांस खाता था, फिर उसने मांस पकाना चालू किया, सब्जी पकानी चालू की, चावल पकाना चालू किए, दाल पकाने चालू किए, फिर उसके बाद खाना खाने लगा, भोजन का अद्भुत स्वाद मिला उसको। सबसे पहला आविष्कार है अग्नि, ये वाला, जिसको हमारे आदिम मनुष्य ने खोजा। जैसे आज हम कंप्यूटर की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष गमन की बात करते हैं, उस जमाने में अग्नि का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण था। मित्रों, इन सब आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? अग्नि का सकारात्मक सृजनात्मक उपयोग, सकारात्मक सृजनात्मक उपयोग। आग्नेयास्त्र भी इससे बने, मिसाइल्स क्या हैं, वो भी आग्नेयास्त्र हैं, आग भी इससे जलाई जाने लगी। ये सब मनुष्य की सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि का कमाल था, कि जहाँ सद्बुद्धि थी वहाँ अग्नि ने बड़ा चमत्कार दिखाया, अग्नि से भोजन बनने लगा, भोजन पकने लगा, और अग्नि से शीतलता उष्णता में बदलने लगी। जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ती, पर अगर उत्तर भारत उत्तर क्षेत्र में चले जाएँ, थोड़े और ऊपर यूरोप में ऊपर, वहाँ बहुत ठंड होती है। ठंड होने पर सबसे पहली चीज़ क्या है? हीटर मिल जाए कहीं पर। पुराने ज़माने में जो हम कमरे देखते हैं इंग्लैंड में और जो यूरोप में देखते हैं, तो वहाँ पर हीट पैदा करने के लिए अग्नि जलाई जाती थी। आजकल के जो मसूरी और ऊपर तुम नैनीताल कभी चले जाओ, तो वहाँ के कमरों में देखोगे तो फायर प्लेस मिलेगी, एक अग्नि जलाई जाती थी, लकड़ी जलाई जाती थी। उस ज़माने में लाइट वाइट थी नहीं, तो अग्नि जलाई जाती थी। तो ये जो अग्नि हैं, तीन ही ज्योति के प्रकाश के स्रोत हैं, न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावक। जहाँ ये तीनों नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर इनके स्रोत का भी स्रोत है, इससे भी अपने प्रकाश को परमात्मा से पाते हैं। वो ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है, प्रकाश के कई रूप होते हैं, प्रकाश में ऊष्मा भी होती है, ताप भी होता है, दो चीज़ें, लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट। प्रकाश में लाइट भी होती है और हीट भी होती है। और हमने देखा कि धरती का ऊर्जा स्रोत है सूरज है, तो सूरज के बाद लोग सोलर पैनल्स लगाने लगे, सोलर पैनल से हीट भी आई और प्रकाश भी आया, बल्ब भी जलने लगे। आज एक अल्टरनेटिव है एनर्जी, वो है सोलर एनर्जी। लोगों को लगता है कि अगर आने वाले दिनों में पावर क्राइसिस आई तो सोलर एनर्जी ही सब पूरा ठीक करेंगे। मैं जब पहली बार आया था यहाँ, तो गुरुदेव ने कहा तुम विंड मिल लेके आओ और तुम विंड मिल से ये इसको चलाओ, सोलर पैनल्स को चलाओ।
सोलर पैनल्स को से पंप चलाओ उसका। सोलर पैनल से पंप चलाया गया। बस मेरा सबसे पहला शुरू का वैज्ञानिक प्रयोग जो था वो यही था, जब मैं अंबाला से लेके आया सब ये, दिल्ली से लेके आया इंस्ट्रूमेंट्स और यहाँ लगाए। आज लोग सूर्य ऊर्जा को भविष्य की ऊर्जा मानते हैं। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन वो जो पॉल्यूशन न करे, ग्रीन वो जो प्रदूषण न करे, ये ग्रीन एनर्जी है आज की। और इस ग्रीन एनर्जी से तुम सब लोगों का भविष्य लिखा जाएगा, इसी ग्रीन एनर्जी से लिखा जाएगा। उजाला और उष्मा हमारे जीवन की सबसे बड़ी गहरी ज़रूरत है। थोड़ी देर तक तो के लिए तो अंधेरा अच्छा लगता है, पर आगे जग के अगर काम करना हो मान लो रात में, तो अंधेरा विषैला मालूम होने लगता है। हम मिट्टी का तेल का दिया जला देते हैं, और मिट्टी का तेल का दिया घरों में गाँव में जला दिया जाता है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टिम 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 करके एक डिबरी होती है, डिबरी बोलते हैं ना उसको, कहीं ना कहीं जल रही होती है। क्यों जल रही होती है? क्योंकि वहाँ अंधेरा न रहे इसका ध्यान रहता है। वैसे जो सामान्यतया जो किया जाता है वो सरसों का तेल जलाया जाता है, सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है। और मिट्टी का तेल थोड़ा नुकसान करता है, मच्छरों को मार देता है आसपास अपने। पहले के ज़माने में घरों में दीवेट होती थी, दीवेट दिया जहाँ रखा जाता है, दिया जलाने की जो स्थान है वहाँ पर अंडी का तेल जलाते थे, कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल कैस्टर ऑयल। मिट्टी का तेल तो बाद में आया, खुदाई से मिला, धरती की खुदाई से मिला, पेट्रोलियम पदार्थ मिले। मिट्टी के तेल के कई भाई बहन हैं, तारकोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ऑयल से कई तरह के। पर अरंडी का पेड़ जो है उसके बीज से तेल निकालते हैं, ये सबसे अच्छा सेफ है। इसका जो धुआं होता है वो सेफ होता है आँखों के लिए भी, और इससे वो भी बनाया जाता है, काजल भी बनाया जाता है इसके धुएँ से। कई बार हम कहते हैं ना कि यज्ञ से कार्बन बनता है, यज्ञ से धुआं होता है। कालिक तो निकलती है, लेकिन हर कालिक नुकसानदायक नहीं होती। मिट्टी के तेल की कालिक नुकसानदायक होती है, डीजल जलता है तो कालिक नुकसानदायक होती है, पेट्रोल जलता है तो कालिक नुकसानदायक होती है, लेकिन अरंडी का तेल जो जलता है, सरसों का तेल जलता है, तो इसकी कालिक हमारे लिए फ़ायदेमंद है। देशी घी जलता है तो कालिक नुकसानदायक नहीं होती। कई बार सरसों का तेल, घी आदि का दिया जला करके उसका काजल बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को मैंने 81 82 में शांतिकुंज में, और उसके पहले 72 73 में तब गायत्री तपोवन मथुरा में मैंने देखा है। शाम को मैं देर तक बैठा बैठा बात करता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, भाई देखो तारे डूबने वाले हैं, तारे उगने वाले हैं, और सूरज डूब गया है, अब हम काजल लगाएंगे। गुरुदेव काजल लगाते थे, कपूर था होता था उसमें, और बस वो काजल लगाते थे। काजल लगा के कहते थे, अब तुम जाओ हम सोएंगे, बस उसके सो जाते थे। 12 बजे उठ जाते थे, 12 बजे उठ के फिर लिखते थे, ध्यान करते थे, जप करते थे, पूरा 12 से लेकर सुबह से लेकर दिन तक का पूरा रात, शाम तक का समय उनका पूरा इसी में। तो काजल जो है ये आँखों में लगाया जाता है, और इसलिए लगाया जाता है कि आँखें सही रहें, ठीक रहें, कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, कंजंक्टिवाइटिस वगैरह। हर कालिक बुरी नहीं होती, काजल की कालिक अच्छी होती है अगर अंदर जाती है तो। लेकिन ये दिया मन के कोने में भी जलना चाहिए, ये दिया हमारे मन के कोने में भी जलना चाहिए। जब मन में दिया जलाते हैं तो ध्यान हो जाता है, अब हम अपनी परिभाषा पे आ गए ध्यान की। जब मन में दिया जलाया जाता है और मन में दिया जलाकर प्रकाश पैदा किया जाता है मन के अंदर, तो ध्यान हो जाता है। क्यों जरूरी है? मन की भटकन, मन में जो टटोलते रहते हैं, हम खोजते रहते हैं, मिलता नहीं है। हमारे मन में कई चीज़ें खो गई हैं, कई स्मृतियाँ, कई यादें धुंधली पड़ गई हैं, मिल नहीं रही हैं। उसको ढूंढने के लिए दिया जलाना पड़ता है। ये दिया जलाना आज का ध्यान है, ज्योति अवतरण का ध्यान, आज का ध्यान, ज्योति की स्थापना। भगवान के हमने अनेक रूप स्थापित किए हैं, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, और जैसे आज तुमने क्वेश्चन में पूछा, महर्षि दयानंद के रूप में, स्वामी विवेकानंद के रूप में, ये भगवान के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव का चित्र कई बार, कई चित्र में की स्थापना करते हैं तो नारियल की स्थापना कर देते हैं भगवान के प्रतीक के रूप में। पर आज किस रूप में होगा? अगर हम राम को कहें, कृष्ण को कहें, देवी देवताओं को कहें, अवतारों को कहें, तो किस रूप में होगा? तो उनका रूप होगा ज्योति के रूप में, ज्योति पुरुष। ये जैसे आज सबसे पहले आते ज्योति जलाई, उसके बाद तुम्हारा लेक्चर चालू किया, ज्योति पुरुष का आवाहन, ज्योति पुरुष का आवाहन, ज्योति जला के ज्योति पुरुष का आवाहन। हर घर में परंपराएं, एक तुलसी का चौरा होता है, दिया का स्थान होता है, माँ दीप जाती है, दीपक जला देती है, एक विशिष्ट उज्ज्वलता, न जाने किस प्रकार की सात्विकता
वहाँ पैदा हो जाती है, क्योंकि वो आप लोगों ने दिया जलाया और जो तुलसी के चोरे पे जलाया। ज्योति एक भगवान का साकार रूप है, निराकार रूप भी है। प्रकाश है ज्योति में, पवित्रता है ज्योति में। प्रकाश और पवित्रता एक साथ देखनी हो, ऊर्जा और ऊष्मा एक साथ देखनी हो तो ज्योति में है। ऊर्जा और ऊष्मा, ज्योति प्रकाश, प्रकाश और पवित्रता ज्योति में। इसलिए ये ज्योति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक कविता है, आओ मन में दिया जलाएं। हमारे अभी पिछले सप्ताह हमने उनका स्मृति में हमने एक मिनट का मौन रखा था। अटल जी ने एक कविता लिखी है, आओ फिर से दिया जलाएं। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, अंतरतम का नेह निचोड़ें। बुझी हुई बाती सुलगाएं, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। अटल जी कितनी मार्मिक बातें वो छोटी छोटी सी अपनी कविताओं में लिख गए। वास्तव में इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा, यही विधि ले से दीप तेज राश विज्ञानमय। गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा है, यही विधि ले से यानी दीप इसी तरह से जलता है, तेज राश विज्ञानमय। किस तरह से दिया बनाया जाए, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसमें भक्ति का प्रेम का तेल डाल के बनाया जाए। भक्ति का प्रेम का तेल डालकर मन की दिवेट में जलाया जाए और ज्ञान की बाती लगाई जाए। ज्ञान की बाती, भक्ति और प्रेम का दिवेट। तो आत्मा का प्रकाश यदि जब होगा, यही विधि ले से दीप तेज राश विज्ञान में, तब ज्ञान और तेज उसमें से फूट निकलेगा, ज्ञान और तेज उससे फूटेगा। ऐसे कल्पना करें दीप की। इसलिए जब मन की एकाग्रता पाने के लिए हम त्राटक का अभ्यास करते हैं तो दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, जैसे आज हम जलाएंगे। आज भी हम पूजा घर स्थली में पूजा करते हैं तो घरों में भले ही बत्ती बिजली जलती रहे, लेकिन पूजा स्थली में एक दिया जरूर जलाते हैं। ध्यानेन आत्मेन पश्यन्ति, हमारा जो गीता है ये उपनिषदों का सार है। वास्तव में इसमें आप देखेंगे 13वें अध्याय में बड़ा सुंदर चिंतन आया है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिद आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो सुख शुद्ध हुई, कई लोग ध्यान करते हैं तो कहते हैं कई लोग शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने हृदय क्षेत्र में देखते हैं। सूक्ष्म हुई ध्यान से, सूक्ष्म हुई बुद्धि द्वारा अपने हृदय में देखते हैं, और अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं, इस सूक्ष्म बुद्धि को ध्यान के द्वारा। आत्मा अंगुष्ठ मात्र ज्योति है। आत्मा को कहा जाता है अंगुष्ठ मात्रम कारण शरीरम, अंगुष्ठ मात्र, इतना बड़ा छोटा सा बस, ये अंगूठे के बराबर की ज्योति। इस ज्योति को ही हम धारण करते हैं अपने हृदय में भी, मस्तिष्क में भी। धीरे धीरे उस बाहर जलती हुई ज्योति को अपने अंदर स्थापित करते हैं। धीरे धीरे इसका एहसास होता है, हमारी कल्पनाएँ क्रमिक रूप से सघन होती जाती हैं। किसी के अंदर कल्पना शक्ति ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है। कल्पना शक्ति ज़्यादा या कम का एहसास इस बात से होता है कि कोई फटाफट कहानी गढ़ लेता है, कोई फटाफट कविताएं बना लेता है, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति ज़्यादा है। हमारे बीच में आज हमारा सब बहुत पुराना साथी, हमारे यहाँ का एक अध्यापक जो आया हुआ है अभी मजार शरीफ से, अफ़गानिस्तान से, और जिसने नमाज के ऊपर PhD कर रहा है मेरे अंडर में, जैदी गुलाम अस्करी जैदी, वो आया हुआ है। और इसने कहाँ है भैया, खड़े हो जाओ, हाँ ये खड़े हो गए, देखो बड़े बड़े केश, एक फ़कीर की सूफ़ी की तरह से, सूफ़ी फ़कीर की तरह से वेश, ठीक सबने देख लिया, नए बच्चे हैं इनको भी दिखाना चाहता हूँ। तो ये बालक अभी अफ़गानिस्तान में है, काम कर रहा है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ फिर से आ जाएगा एक साल के अंदर। इसने जो है, इसके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, फटाफट कविता गढ़ता है, फटाफट फटाफट, मतलब आशु कवि जिसको बोलते ना, तुरंत कोई कवि बना दे, कविता बना दे, तो ये
कोई भी चीज़ कही गई है, जैसे मैंने लेक्चर दिया, मेरे लेक्चर में से ही कविता निकाल के सुना देता था मंच संचालन में, तो ऐसे उनकी कल्पना शक्ति ज़्यादा है। ज़्यादा हो या कम, हम इस ज्योति को अपने अंदर ला सकते हैं। ज्योति में ही हमारी गायत्री माता है, इसी दीपक की ज्योति में हमारी अंतरात्मा है, इस दीपक की ज्योति में ही भगवान विष्णु हैं, इसी में शिव हैं, इसमें राम है। अंधेरा मन में बहुत है, अंधेरा नासमझी का अंधेरा है, नासमझी का अंधेरा, समस्याओं का समाधान न मिलने का अंधेरा है, समस्याओं का समाधान न मिलने का अंधेरा नासमझी के अंधेरे के रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है, प्रश्नों का अंधेरा, संशयों का अंधेरा, संकटों का अंधेरा, मालूम नहीं क्या हो जाए, हम लोग आशंकाओं के बीच में रहते हैं। तो हम जो है, कहते हैं ना कि ब्रेन में एक नेटवर्क होता है, नर्वस सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, और उस पर निर्भर करता है कि आदमी कितना प्रतिभाशाली है। लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं बना कि इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। बुद्धि बढ़ाए, याद बढ़ाए, लेकिन अगर बुद्धि बढ़ाने वाले कैप्सूलों की तह में जाएँ, गहराई में जाएँ, कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रुथ तो हमको मिलता नहीं है। ब्राह्मी खाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ब्राह्मी खाने से अगर हो सकता है हमारा एक्टिवेटिंग सिस्टम मजबूत हो जाए, नहीं। हाँ, योग के माध्यम से मैं मानता हूँ, योग के माध्यम से आपकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इसलिए सक्रियता बढ़ जाए तो मानसिक अभ्यास जो हैं ध्यान के माध्यम से संभव है। ध्यान का यदि अभ्यास किया जाए तो मानसिक सक्रियता को, मानसिक एकाग्रता को, मानसिक तल्लीनता को, तन्मयता को बढ़ाया जा सकता है। सबसे बड़ा अभ्यास, और सबसे बड़ा अभ्यास है ज्योति अवतरण का साथ अभ्यास जो आज अपन करेंगे। ज्योति अवतरण की जो ध्यान धारणा है उसका प्राथमिक चरण जो है वो जलने वाली दीपक की ज्योति को अपने मन में, अपने हृदय में या अपने मस्तिष्क में स्थापित करना, यहाँ स्थापित करना। वो ज्योति हमारे मस्तिष्क में चमकने लगे, हृदय क्षेत्र में चमकने लगे, और जैसे कमरे में उजाला होता है एक दीपक एक मोमबत्ती के लाने से, ऐसे हमारे अंदर भी दीपक प्रकाश करते हैं। कमरे में उजाला करने के लिए सब जगह दिया नहीं जलाते, एक कोने में दिया जला दो तो पूरे कमरे में उजाला हो जाता है। हमारे यहाँ इधर दिया जला दो तो पूरे अंतर जगत में दिया हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। इसीलिए हम इस ध्यान को इतना महत्व देते हैं कि इस ध्यान के माध्यम से हमें बहुत कुछ चीज़ें साफ दिखाई देने लगेंगी। मैं जब निर्देश दूंगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, चार्ल्स फिल्मोर नाम के एक व्यक्ति थे, यूनिटी स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी मोंटाना USA के, जो प्रार्थना से हीलिंग करते थे, प्रेयर हीलिंग, विश्वास हीलिंग, फेथ हीलिंग, और उनके कई प्रसंग आए हैं, मेरे पास उनकी किताबें आती हैं, रेगुलरली मैं उनकी किताब मंगाता हूँ। हमने विश्वास जमा रखा है कि हम रोगी हैं तो हमें इस विश्वास को बदलना होगा। कई लोगों के मन में बैठा हुआ है, अरे आपको मालूम नहीं है भाई, हम बहुत कमज़ोर हैं, शरीर हमारा बहुत वीक है, वीकनेस है, आप जानते नहीं मेरे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, मैं कैसे कमज़ोर, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। ऐसे न जाने कितने लोगों को मैं सुबह से शाम तक इंजेक्शन लगाता रहता हूँ, इंजेक्शन किस चीज़ का, पॉजिटिविज्म का इंजेक्शन, पॉजिटिव, अरे तुम ठीक हो जाओगे, तुमने कैसे मन में डाल लिया कि तुम नहीं ठीक हो सकते, तुम ठीक हो जाओगे। दीर्ण क्षीर्ण बीमारियों वाले भी उनके पास रह करके ठीक हो जाते थे, क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे उनके मन में एक ज्योति भर देते थे, विश्वास की ज्योति, मैं ठीक हो सकता हूँ, आई कैन बी क्योर्ड। जिस दिन आप ये कहना चालू करोगे उस दिन आपके अंदर पॉजिटिव जो वाइब्रेशंस हैं वो ऐसे निकलने लगेंगे कि आपके कैंसर को, आपकी अल्सर को, आपकी अल्सराइटिव कोलाइटिस को, सबको ठीक करने लगेंगे। हमारे शरीर का प्रत्येक अंधेरा, कोशिकाओं का अंधेरा, अंगों का अंधेरा दूर होता चला जाएगा, और ऊर्जा, उष्मा, प्राण, प्रखरता बढ़ती चली जाएगी। बात केवल शरीर की विकृतियाँ दूर करने की नहीं है, बात है मन की विकृतियाँ दूर करने की। विचार जगत में कई बीमारियाँ भर गई हैं, हमारे मन में ईर्ष्या है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में वैमनस्य है, विचारों के द्वंद्व हैं, विचारों की लहरें हैं, झटके आते हैं हमको बार बार, इनको ठीक करना पड़ेगा। जब जब हमने ध्यान का पहला चरण पूरा किया तब तब हमको पता लगता है कि हमारे शरीर में प्रकाशपूर्ण स्वस्थ कोशिकाएँ झिलमिला रही हैं, हमारे शरीर में कोशिकाएँ झिलमिला रही हैं प्रकाशपूर्ण। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे वैसे वैसे हमका हमारे अंदर प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है इस ध्यान की वो है प्रकाश का झिलमिलाना, लहरों से तरंगित होना, और जैसे हम विचार जगत में प्रवेश करेंगे
इस ज्योति को लेकर, दिए को लेकर हमारे अंदर जगत में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। धीरे धीरे संकीर्ण से व्यापक होते जाएंगे हमारे विचार, संशय मिटते चले जाएंगे, विचारों के द्वंद्व मिटेंगे। इसीलिए हम इस ज्योति को स्थापित करते हैं। ज्योति स्थापना का ध्यान है, ये ज्योति को अवतरित करने का ध्यान है अंतर जगत में। केवल ज्योति की स्थापना नहीं, बल्कि इतने भर से काम नहीं चलेगा, हमको दिए की ज्योति में तेल भी डालना पड़ेगा, भावना का, स्वभाव संवेदना का, आत्मीयता का, परमात्मा के प्रति प्रेम का। प्रकाश को अपने संपूर्ण अस्तित्व और व्यक्तित्व में अवतरित करना है, इसकी अनुभूति हमें ओतप्रोत होने लगती है। कई बार शरीर के बाद मन की बारी है, विचारों के प्रकाशित होने की बारी है। जिस तरह से मन में हम अनुभव करते हैं, उसी तरह से भावना में भी अनुभव करते हैं हम लोग। भावनाओं में पता नहीं कितनी विकृति भर गई। मैंने कहा ना, शरीर की विकृति, मन की विकृति, भावनाओं की विकृति। तीसरी, भावनाओं की विकृति में आदमी विश्वास और प्रेम ही नहीं है, भावनाओं में सूख गई हैं, भावनाएँ सूख गई हैं। आज इस कलयुग में सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है भावनाओं का अकाल है। भावनाएं मुरझा गई हैं, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस के चक्कर में इमोशनल इंटेलिजेंस गड़बड़ा गई। आईक्यू को बढ़ाने के चक्कर में हमने ईक्यू को उपेक्षित कर दिया। और जैसे जैसे हमारे शरीर की इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, श्रम कार्य क्षमता, ऐसी तरह से हमारे मन की कार्य इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअलिटी। पर हमारा इमोशंस क्यों हमारे डेड हो रहे हैं? वाई वी आर गेटिंग बिरेफ्ट ऑफ इन इमोशंस? हम इमोशंस से वंचित क्यों होते चले जा रहे हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज़ है अभिप्रेरण, इंस्पिरेशन। अभिप्रेरण, इंस्पिरेशन बाय लाइटिंग ए लैम्प इन द इमोशंस। इमोशंस में, भावनाओं में एक लैम्प जला के, दिया जला के, दीपक जलाकर यदि हम अपने अंतर जगत में भावनाओं के क्षेत्र में थोड़ा सा भी अगर कुछ करने लगेंगे, तो वास्तव में सही अर्थों में हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर एक चुंबकीय शक्ति भी विकसित हो रही है। न जाने क्या, कई बार हमको लगता है किसी व्यक्ति के अंदर इतनी चुंबकीय शक्ति होती है जो हमें उनकी ओर खींचती है। कोई आदमी आता है, लेक्चर देता है, लोग तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर वो इंटेलेक्चुअल लेवल है उनका, इंटेलेक्चुअल लेवल है। पर किसी किसी के अंदर भावनात्मक चुंबक भी होता है। वो भावनात्मक चुंबक जो है सबको आकर्षित करता है, और अगर वो हमसे रिश्ता रखना चाहते हैं तो हमें बड़ी बेहद खुशी होती है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं। मैं 15 साल का था जब मैं तैयारी कर रहा था अपनी मेडिकल की, एडमिशन की। उस समय मुझे 2 लोग मिले, एक प्रोफेसर थे डॉक्टर ओम नागपाल, और एक मिले मुझे सुदर्शन जी। ये मुझे 2 लोग मिले जिन 2 लोगों ने मेरे को बहुत भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है, परम पूज्य गुरुदेव के बाद जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। और उनके भावनात्मक चुंबकत्व से मैं आकर्षित होकर के पूरी तरह से राष्ट्रभक्त बन गया। पूरी तरह से मैं ये सोचने लगा इसके बारे में कि मुझे अपने जीवन को विकसित करना है, मुझे अपने जीवन को डेवलप करना है। शरीर से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, मन से कोई महान नहीं बनता, बनता है व्यक्ति भावनाओं से बनता है, भावनाओं से महान बनता है। और भावनाओं में जब अंकुरण होता है, आज का सबसे बड़ा संकट क्या है, उन भावनाओं की महानताएँ खो गई हैं, भावनाओं में शुद्रताएँ भर गई हैं, रिश्ते बड़े छोटे हो गए, सिमट गए हैं पूरे पूरे। भावनाओं में शुद्धता भर गई है, हम एक दूसरे से पीछे छोड़ाना चाहते हैं। शाम का समय है, सीरियल आने का समय है हमारे, ऐसे में कोई आ जाए हमारे यहाँ, हमको लगता है कहाँ से आ गया दुष्ट, सारा समय खा गया पूरा पूरा। बहू अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती, संयुक्त परिवार की बात समाप्त हो गई है, लोग अकेले रहना चाहते हैं, न जाने क्यों। एकाकीपन, संकीर्णता, लोग इतने जटिल स्वार्थ के समीकरण हो गए हैं कि अपने अलावा कुछ नहीं सोचते, बस ज़्यादा। और क्या हो गया कि वो स्मार्टफोन आ गए तो स्मार्टफोन में लगे रहते हैं, सुबह शाम तक उसी में लगे रहते हैं। ये आदमी के लिए नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आपके रिश्ते समाप्त हो जाएंगे तो आपके अंदर की भावनाएँ समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ। आज हमारी केवल देह बीमार नहीं हुई है, मन बीमार नहीं हुआ है, हमारी भावनाएं बीमार हुई हैं। भावनाएं, इंसान की भावनाएं बीमार हुई हैं। एक अजीब सा राक्षसीपन, क्रूरता, वह वैश्यपन भावनाओं में आ गया है। कभी चर्चा सुनी जाती थी, कोई हिटलर के बारे में सुना जाता, कभी कोई चंगेज खां के बारे में सुना जाता था। सुना है तुम लोगों ने चंगेज खां का नाम? सुना है, जिसने भारत में आया तो खून की नदियाँ बहा दी।
कोई तैमूर लंग आया था उसने भी इसी तरह से किया, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया था उसने क्रूरता के क्षेत्र में। तुमने दिल्ली जीती, जीत तुम्हारी तो प्रजा है, फिर नरसंहार क्यों कर रहे हो भाई? जब तुमने दिल्ली जीत ली फिर नरसंहार क्यों कर रहे हो? तुमने सिंहासन जीत लिया पूरा के पूरा, तो उसके बाद फिर तुमको क्या जरूरत है, किस बात की जरूरत है? आदमी को मारना जरूरी है। मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह था, केवल नाम ही नहीं था, उसकी फितरत भी अजीब थी। नाच गाना देखना, तवायफों के साथ रहना, अजीब अजीब हरकतें। नादिर शाह नाम का एक आदमी हुआ है जिसने तख्ते ताउस शाहजहाँ ने बनवाया था, उसको ले गया था वो यहाँ से। पर ले गए थे तो ले जाओ चलो कोई बात नहीं, पर इसके साथ इतने सारे लोगों को कटवाना, मारना, खून की नदियाँ बहाना बहुत ज़रूरी है क्या? भावनाओं की का दुर्भिक्ष, भावनाओं का अकाल कितना बुरी तरह से कत्लेआम किया उसने। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना पीटे कुछ सामान लेते नहीं हैं, बिना मारे नहीं सामान लेते। आप उनको सामान दे दो, पकड़ा दो तो कि नहीं अभी हमारा फीस वसूल नहीं हुई है, अभी हम तुमको मारेंगे। पहले मैं बताता हूँ, इंदौर से झाबुआ में गुरुदेव आने वाले थे तो मैं झाबुआ जा रहा था, तो मुझे वहाँ के धार के लोगों ने बताया कि आप भाई साहब किसी को साथ ले लीजिए, आप स्कूटर पर जा रहे हैं, ये जो भील लोग हैं ना ये पहले तो पीटते हैं बुरी तरह से। क्यों पीटेंगे यार, हम शॉल दे देंगे, पैसे दे देंगे और क्या। और नहीं 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 वो नहीं लेंगे आपसे, वो नहीं लेंगे, वो बाद में लेंगे, पहले आपको पीटेंगे, पहले आपको मारेंगे। क्योंकि उनको मारने के बाद उनका ये उनका उसूल है, वही उनका, उनको बड़े ईमानदार होते हैं इस मामले में कि उनका उसूल है कि जब तक मार नहीं लेंगे तब तक आपसे वो नहीं करेंगे। मैंने सुना भर था, पर मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं तो गुरुदेव से मिलने जा रहा था, मिल के आ गया। इन्होंने क्या आक्रांता जितने आए इन्होंने घर घर लूटा, ऐसा नहीं कि केवल तख्ते ताउस लूटा, घर घर डकैती डाली, हीरे जवाहरात लूटे। भावनाओं के क्षेत्र में अंधकार का सघन होना इसको कहते हैं, भावनाओं के क्षेत्र में अंधकार। ऐसे लोग हमारे देश में भी आए, प्रेम का संदेश नहीं लेके आए। हमारे देश से तो प्रेम का संदेश लेके संस्कृति दूत गए, बोधि धर्म गए, कौंडिन्य गए, संघमित्रा गई, ये सब हमारे यहाँ का संदेश लेकर के गए। और ये जो लोग हुए कैसे थे, बड़े विलक्षण लोग थे। आज सेनाएं चल रही हैं, गांव के गांव उजड़ रहे हैं, फसलें नष्ट हो रही हैं, क्यों हो रहे हैं? किसान भूखे मर रहे हैं, क्यों? सेना गुजरी थी इधर से, इतिहास की बात है। बांग्लादेश का युद्ध हुआ था तो 71 की बात है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने 90,000 की संख्या में समर्पण किया भारतीय सेना के सामने। ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक घटना, कभी भी तुम चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर करना, क्यों? क्योंकि उनका मॉरल डिजेनरेट हो गया था, पूरी तरह समाप्त हो गया था, और उनको ये समझ में आ गया था चारों तरफ से भारतीय सेना ने घेर लिया है, अब कोई रास्ता नहीं है, समर्पण कर दिया। जब मुक्ति वाहिनी ने प्रवेश किया तो बांग्लादेश की स्थिति क्या थी, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान नेता थे। पूर्वी पश्चिम पाकिस्तान उसमें अपने देश में घुसकर यानी बांग्लादेश की बुरी तरह से नोच खसोट कर रहा था, बुरी तरह से उनकी लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था, उनकी हत्याएं कर रहा था। अपने ही देश में बर्बाद क्यों, बर्बरता क्यों? भाई तुम्हारा ही देश है, तुम पश्चिमी हो, ये पूर्वी पाकिस्तान है। तो उन्होंने नहीं माना, उन्होंने बर्बरता बहुत की अपने ही देश के लोगों से। जो पाकिस्तान आज राग अलापता है कि कश्मीर में मानवाधिकार है कि नहीं, उसके मानवाधिकार का इतिहास बड़ा घृणित है। उसने पूर्वी पाकिस्तान में जो किया था आज वो आज़ाद कश्मीर में भी कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, आज बलूचिस्तान में भी हो रहा है। बलूचिस्तान में बुरी तरह से नोचा खसोटा जाता है और वो अल्टीमेटली वो भी आज़ाद होकर के रहेगा। मैं कई बार कहता हूँ कि ये सब आज़ाद होकर के हिंदुस्तान में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आज़ादी जितनी मिलेगी उतने कहीं नहीं मिलेगी इनको, सारे के सारे यहीं आएंगे पूरे के पूरे। तो ये भावनाओं का जो दोष है जहर की तरह फैलता है, फैलता जाता है। ध्यान में हमारा अंधेरा है, भावनाओं के क्षेत्र अंधकारित है, इस अंधकार के क्षेत्र को प्रकाश में लाना है हमें, अंधकार के क्षेत्र को प्रकाश में लाना है। ज्योति अवतरण की ध्यान साधना चमत्कारी होती है, कुछ ऐसे आश्चर्यचकित परिणाम वाली है जैसे भगीरथ का गंगा अवतरण, ऐसे ही ज्योति का अवतरण। हिमालय से लेकर गंगा सागर तक जो भूमि को उर्वर बनाती चली गई गंगा, वैसे ही हमने अपने बंजर व्यक्तित्व को, अंधेरे से घिरे व्यक्तित्व को, बंजर होते व्यक्तित्व को, अंधेरे से घिरे व्यक्तित्व को हम कैसे ऊर्जावान बनाएं, उष्मावान बनाएं, उर्वर बनाएं, प्रतिभावान बनाएं, स्वस्थ बनाएं, प्रसन्न बनाएं।
विश्वास मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, प्रेम मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, प्रेम और विश्वास फैलाना चाहिए। भावनाओं के हीरे जवाहरात हैं, भावनाओं के रत्न हैं। आज हम असुरक्षित महसूस करते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूर अंधेरे में जा रहे हैं तो एक और जानवर आ रहा है, एक और इंसान आ रहा है। जानवर से डर कम लगता है, इंसान से ज़्यादा डर लगता है। मान लो अगर जानवर आ रहा हो तो उससे डर नहीं लगता जितना इंसान से लगता है। अविश्वास है, भावनाओं में पता नहीं क्या करेगा। आज कहीं भी अतिथि देवो भव नहीं सुना जाता। अतिथि देवो भव पहले था हमारे देश में, कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि हमारे देश में, भारत में कहीं भी अंधेरे में चले जाओ रात में किसी गांव में, तो वहाँ एक बटलोई होगी जिसमें चावल पक रहे होंगे, थोड़ी सब्जी डली होगी, और वो इसलिए पकी होगी कि शायद सब लोग खाना खा चुके होंगे, परंतु वो वहाँ का जो घर होटल झोपड़ी में रहने वाला जो आदमी है वो इतना ज़्यादा भाव संवेदना से अनुप्राणित है कि कोई ना कोई तो गेस्ट आएगा, कोई ना कोई तो अंधेरे में चलता हुआ आएगा, उसके लिए हमने पका लकड़ी थोड़ी सी लगा दी नीचे से, गर्म होता है, कोई भी गेस्ट आया तुरंत उसको। आज भी छत्तीसगढ़ में स्थिति ये है, कभी भी चले जाओ तो आपको गर्म सब्जी मिलेगी तुरंत खाने को कहीं भी। क्यों? सुबह से बनना चालू हो गई थी, सबको खिला दिया, जो बची वो चढ़ा दी। ये जो हमारे देश का शासन है, हमारे देश का अतिथि देवो भव है, ये कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं है। हमारे देश में हर्षवर्धन का शासन था, चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासन के समय आए थे। हर्षवर्धन राज्यवर्धन दो भाई थे, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, और उनकी बहन थी राजश्री। मालूम है तुमको ये कहानी? हर्षवर्धन राज्यवर्धन दो भाई थे, उनके ज़माने में समृद्धि का शासन था पूरा का पूरा। वेनसांग जब आया था तो वेनसांग ने और फाइयान ने, दोनों ने इसके बारे में लिखा है। हर्षवर्धन का काल सबसे स्वर्णिम सुखी काल माना जाता है। एक माना जाता है विजयनगरम का, दक्षिण भारत में, एक माना जाता है इनका, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का। उन्होंने लिखा, बड़ा विचित्र सा देश है भारत, हमने कभी देखा ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं। कभी कोई किसी के घर पहुंच जाए तो उसको उतना ही स्वागत मिलता है जैसे उसका नज़दीकी रिश्तेदार आ गया हो। हम कई घरों में गए, हमको भी सत्कार मिला, घरों में ताले नहीं लगाते लोग बाग। उसने लिखा, बाकायदा लिखा, और लिखने के बाद वो छपा पूरा का पूरा। हर्षवर्धन उस समय शासक था, ये दो भाई और एक बहन थे, हर्षवर्धन राज्यवर्धन, और राजश्री उनकी बहन का नाम था। राज्यश्री बनारस वाराणसी में ब्याही गई थी। दोनों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, बाद में उनकी बहन विधवा हो गई, लेकिन फिर भी अपनी बहन को बहुत मानते थे। ऐसा कहते हैं कि जब कुंभ का मेला लगता था हर की पेड़ी पे, यहाँ पर हरिद्वार में या इलाहाबाद में, हर कुंभ के मेले में हर्षवर्धन इलाहाबाद प्रयागराज आते थे हरिद्वार में, और अपनी समूची संपत्ति जरूरतमंदों को दान दे देते थे। समूची संपत्ति जितनी उन्होंने साल भर में कमाई थी, 6 साल में कमाई थी, पूरी की पूरी दान कर देते थे। तन का कपड़ा भी दान देते थे, सब कुछ देते थे, केवल एक छोटा सा वस्त्र अपने लिए रखते थे। तब उनकी बहन उनके लिए कपड़े लेकर आती थी, बहुत सारे अच्छे कपड़े लेकर आती थी कि मेरी तरफ से भेंट है। रक्षाबंधन के पूर्व कितनी अच्छी कहानी है कि बहन भाई के लिए कपड़े रक्षा के लिए लेकर आती थी। आज तुमने सब भाई सबको भेंट दी, तुम्हारी राज्य की तरफ जनता सुखी है, प्रजा सुखी है, हमारे भाई भी सुखी रहें, ये बहन की कामना है। भाई बहन का इतना गहरा प्रेम वेनसांग ने लिखा है अपनी कहानी में, अपने नॉवेल में, कि ऐसा गहरा प्रेम हमने विश्व में कहीं नहीं देखा। कम से कम उन बादशाहों में और सुल्तानों में और सम्राटों में नहीं मिलता। इतनी कथाएं हम राजश्री के लिए सुनते हैं, और हर्षवर्धन के सुनते हैं, राज्यवर्धन के सुनते हैं। अलौकिक निश्चल निर्मल प्रेम, भावनाओं की ताकत। हर्षवर्धन अपनी प्रजा के एक एक व्यक्ति के लिए पीड़ा अनुभव करते थे, तकलीफ अनुभव करते थे, बेचैनी रहती थी उनको, मिला कि नहीं उसको, मिला कि नहीं उसको, मिला कि नहीं, हमने इतना सारा सामान दिया, सबको पास पहुंचा कि नहीं, आज कौन है, कहीं नहीं। कुछ सम्राट थे, प्रतापी सम्राट थे, यशस्वी सम्राट थे, ऐसा नहीं कि केवल उदारता कारण प्रसिद्ध थे, शूरवीर भी थे, साहसी भी थे, समृद्धि के कारण भी थे, माना जाता था उनको श्रेष्ठ। आज हमारा भाव क्षेत्र कुंद हो गया है, आज हम ढूंढें तो भी हर्षवर्धन कहीं नहीं मिलता, हमारा विश्वास ढूंढे नहीं मिलता। भावना के क्षेत्र में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, भावना के क्षेत्र में अंधकार का प्रकाश, अंधकार का निवास। अभी इसने जो कुंद कर दिया है उसको ज्योति अवतरण के माध्यम से हमको साफ करना है। हमारे भाव क्षेत्र में प्रकाश उतरे,
फिर हम अनुभव करें कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व, हमारा देह, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारी भावनाएं ज्योति से झिलमिला जाए। आज के ध्यान की जो हमारी पृष्ठभूमि होगी वो ये होगी, हमारा संपूर्ण देह, हमारी संपूर्ण देह, संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, हमारी संपूर्ण भावनाएं प्रकाश से झिलमिला जाए। वो प्रकाश हो भाव संवेदनाओं से सिक्त, कहीं ना कहीं कोई कण ऐसा हो जो जीवन में हमारे हर क्षण को प्रकाशपूर्ण बना दे। ये ध्यान हमें भावों के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, श्रम के क्षेत्र में, कार्य के क्षेत्र में उजाला लाने वाला है। ये बहुत ही अलौकिक ध्यान है। जो लोग इस ध्यान को निरंतर करते हैं, आप इस ध्यान को रोज कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। नहीं हो दीपक तो मोमबत्ती जला लो, मोमबत्ती भी नहीं हो तो छोटे एक बहुत कम वाट का बल्ब आता है छोटा सा, वो जला लो। किसी भी तरह से पर ज्योति की ओर देखकर, ज्योति को आंखें पहले खुली हुई फिर आंखें बंद, थोड़ी देर तक आंखें बंद आंखों से देखो ज्योति को तो यहाँ दिखेगी, फिर उसके बाद खोलोगे आंखें तो फिर से तुमको ज्योति दिखने लगेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है बहिर्त्राटक अंतर्त्राटक, बहिर्त्राटक अंतर्त्राटक, ज्योति अवतरण, बिंदु योग की साधना, बिंदु योग, ये बिंदु है, बिंदु है, इस बिंदु को स्थापित करना है। इस ध्यान से मानसिक चेतना, भाव चेतना लगातार सघन होती चली जाती है और हमारी अंतर चेतना, भाव चेतना झिलमिलाने लगती है। थोड़े दिन में आपको दिखने लगेगा यहाँ पे प्रकाश, यहाँ प्रकाश दिखने लगेगा, प्रकाश की लहरें, तरंगें फूटने लगेंगी। बहुत ही सशक्त ध्यान है, बहुत ही मजबूत ध्यान है। इस ध्यान से बिखरा हुआ प्रकाश केंद्रित हो जाता है और धीरे से केंद्रित होकर पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे मन में फैल जाता है, पूरे हमारे चक्रों में, हमारे अंगों में फैल जाता है। इसलिए इसका नाम दिया गया ज्योति अवतरण की ध्यान धारणा। परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान धारणा 1971 में शुरू कराई थी जब शांतिकुंज आए थे, प्राण प्रत्यावर्तन के जब शिविर लगे थे 1972 में, तब उस समय इसको चालू किया गया था। जिन लोगों ने शिविर किया उनके अनुभव बड़े दिव्य रहे, बहुत ही दिव्य अनुभव। मैं उन सौभाग्यशाली में से हूँ जिसको ये ज्योति अवतरण की साधना करने का मौका गुरुदेव के सानिध्य में मिला। अब कई लोग बुजुर्ग हो गए, कई लोगों को उसकी स्मृति है, पर बड़ी सशक्त ध्यान धारणा है, तुम लोगों के लिए बहुत काम की होगी। मैंने ध्यान धारणा गायत्री विद्यापीठ में कराई थी बच्चों से, इसका परिणाम देखा मैंने अपने ही बच्चों से, साइकोलॉजी के बच्चों से कराया, IQ, EQ, SQ सब बढ़ता आया, पैशन क्वेश्चन, PQ बहुत बढ़ता है इससे। अगर आप इसको ध्यान से करेंगे, 10 मिनट भी करेंगे, 10 मिनट से भी बहुत मजबूती आ जाएगी। जो इसका अभ्यास करेंगे वो पाएंगे विचारों में, भावनाओं में एक चुंबकत्व विकसित हो रहा है जो प्रकाश को सघन करता है, प्रकाश को विकीर्ण करता है। तुम लोगों में से कई लोग अगले दिनों अपना सिंपोजियम बनाएंगे, अपना तो होमवर्क करोगे, तो तुम लोग योग में और साइकोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में इसको बना सकते हो सब्जेक्ट अपना, बिंदु योग की साधना को, बिंदु योग की साधना, त्राटक की साधना, ज्योति अवतरण की साधना। वो ज्योति जो हमने मस्तिष्क में स्थापित की, हृदय में स्थापित की, वह हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में स्थापित होने लगती है। शरीर की प्रत्येक सेल, प्रत्येक जीवंत सेल हमारा वो एक LED बन जाता है, LCD बन जाता है, वहाँ से प्रकाश निकलने लगता है। ऐसा यदि करेंगे तो आपके अंदर भी वो ज्योति स्थापित हो जाएगी। हम ध्यान करेंगे, चलिए लाइट ऑफ करिए। मन शांत, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोदी में, आँखें ज्योति के ऊपर केंद्रित, ज्योति से निकलने वाले प्रकाश से को अपने अंदर धारण करने की भावना। प्रकाश, दिव्य चेतना, सूर्य की दिव्य चेतना, प्रातःकालीन उदयमान सूर्य की, सविता देवता की दिव्य चेतना हमारे चिंतन क्षेत्र में प्रकाशित। प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्योदय, प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्योदय। कहीं मौका लगे तो सुबह सुबह उठकर सुबह का उगता हुआ सूर्य देखो और उसको अपने अंदर धारण करने की कोशिश करो। 5 मिनट भी ध्यान धारण कर लोगे बहुत आनंद आएगा। प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति,
शांति कुंज, गायत्री कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दिव्य कैंपस, और उसमें आप सब विराजमान। मैं आपके साथ में, आपके शिक्षक गण आपके साथ में। कल्पना करिए चारों तरफ छाए हुए अंधकार में एक बिंदु प्रकाश का, एक बिंदु प्रकाश का हमें दिखाई दे रहा है। प्रकाश का दिव्य बिंदु। मन में अंधेरा, भावनाओं में अंधेरा, शरीर में अंधेरा। ये अंधेरा सघन से सघन होता जाता है, क्योंकि तमोगुण भारी है हमारा, तमोगुण का अनुपात ज्यादा है हमारे अंदर। पर अब ये प्रकाश जो आया हमारे आंखों के माध्यम से, दोनों नेत्रों के माध्यम से, ये आंख खोलकर किया जाने वाला ध्यान है। आंख खोलकर और आंखें बंद करके, दोनों रिपीटेड साइकिल्स। कुछ सेकंड तक देखते रहिए, कुछ सेकंड तक आंखें बंद कर लीजिए। ज्योति कहीं नहीं गई, ज्योति वहीं है। उस ज्योति को यहां स्थापित करिए, आपके दोनों आंखों के बीच में, ब्रो में। मन में ज्योति की स्थापना, मन का स्थान यहां पर, मन में ज्योति की स्थापना। प्रकाश शरीर के रोम रोम में, कण कण में, हर कोशिका में स्थापित हो रहा है। आपको मालूम होगा कि हमारे हर कोशिका में गॉल्गी बॉडीज हैं, हमारे हर शरीर में, शरीर के हर कोशिका में बायोलॉजिकल सेल के रूप में, हर सेल में प्राण है, हर सेल में जीवन है। उन सब के अंदर कुछ प्रकाश की स्फुल्लिंग फैल रहे हैं, स्फुल्लिंग प्रकाश के फैल रहे हैं। प्रकाश शरीर के सब अंगों में फैल रहा है, सारा शरीर प्रकाश में। शरीर में जो रोग थे, कभी कभी हमको बॉडी एक लगता था, कभी हमको सिर दर्द होता था, कभी हमको लगता बुखार है, प्रकाशवान हो रहा है, शरीर निरोग हो रहा है। जो शरीर के विभिन्न प्रकार के जो हमारे अंग हैं, उन सब अंगों में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। शरीर ऊर्जावान, प्रकाशपूर्ण। पहले शरीर के बाहरी कलेवर में, फिर अंदर हर जीव कोश में, हर स्नायु कोश में, हर अंग के हर कोश में, चाहे लीवर हो, चाहे स्प्लीन हो, चाहे हमारे स्टॉमक हो, चाहे हमारे इंटेस्टाइन हो, हर जगह कोश में प्रकाश ही प्रकाश। आंतरिक अंग अवयवों में, हृदय, मस्तिष्क, दिल, गुर्दे, फेफड़े, उदर, आते, हम जो भी शरीर का अंग अवयव जानते हैं, जिन अंग अवयवों के बारे में हमने सुना है, देखा है, जिनके बारे में हमको पढ़ाया जाता है एनाटॉमी में, जिनकी हमें कल्पना है, उन सब में एक कोशिका से दूसरी कोशिका, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, प्रकाश ही प्रकाश जा रहा है, एक चेन के रूप में। एक एक कोशिका का अंधेरा दूर कर रहा है। प्रकाश को हर जीव कोश में, हर स्नायु कोश में स्थापित करना है। पकड़ लीजिए उसको, छोड़िए मत। प्रकाश यहां से आ रहा है, अंधकार को मिटा रहा है, अंधकार का समापन, प्रकाश का उद्भव, प्रकाश का प्रकटीकरण, प्रकाश का स्फुरण हमारे रोम रोम में, कण कण में। प्रकाश की प्रतिस्थापना से हमने ध्यान शुरू किया है। हमारी एकाग्रता सदी
एकाग्रता के कारण एक टॉर्च हमारे अंदर विकसित हुई। उस ज्योति को धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम हर अंग अवयव में ले जा रहे हैं, और अंग अवयव में ले जाते हैं तो देखते हैं हर जगह वो जल जाती है टॉर्च, सारे अंग अवयव प्रकाशित, शरीर का हमारा स्थूल कलेवर प्रकाशित। अंगव्य प्रकाशित, कोशिकाएं प्रकाशित, मस्तिष्क प्रकाशित। मस्तिष्क की एक एक कोशिका, एक एक न्यूरॉन, एक एक न्यूरोलॉजिकल सेल 35 अरब न्यूरॉन्स हमारे अंदर हैं, ये सारे प्रकाशित। हमें नसों में, नाड़ियों में प्रकाश ही प्रकाश। हम रोगी कैसे हो सकते हैं जब हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश पूरे में संचारित हो। हमें रोगी होने का कोई भी हमको अधिकार नहीं है रोगी होने का, रोग से निवृत्त, सिरदर्द की समाप्ति, शरीर के दर्द की समाप्ति, बीमारियों का निवारण, सब कुछ, निरोगता, स्वस्थ अनुभूति। प्रकाश ही प्रकाश, ओजस तेजस वर्चस। ओजस स्थूल शरीर में, तेजस सूक्ष्म शरीर में, वर्चस कारण शरीर में। कारण शरीर भावनाओं का केंद्र, सूक्ष्म शरीर मन संस्थान, स्थूल शरीर हमारा वो जिससे हम अपनी सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब प्रकाशित, पूरा शरीर प्रकाशित शैंडेलियर की तरह से। एक झाड़ फानूस की तरह से हमारे प्रकाशित शरीर को दूर से देखा जा सकता है। हम कैसे हैं प्रकाशित, पूर्णतः प्रकाशित, नसों नाड़ियों में प्रकाश ही प्रकाश। पुरुषो
ज्योति रीवा धूम कह ईशानु भूत भव्यस्य स एवाद्य स उष्वः एतद्वै तत्। अब इसका हिंदी अनुवाद है वो भी बोलेंगे। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला परम पुरुष परमात्मा धूम्र रहित ज्योति की भांति है। भूत वर्तमान और भविष्य पर शासन करने वाला यह परमात्मा ही आज है और यही कल भी है, नित्य सनातन है। यही है वो परमात्मा जिसके विषय में हे नचिकेता तूने पूछा था। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम असतो मां सद्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति ही शांति ही शांति। लाइट जला दें, दोनों हाथों को रगड़ें, ध्यान की ऊर्जा को अपने अंदर जज्ब करने की कोशिश करें, अब्सॉर्ब करने की कोशिश करें। ये ध्यान बड़ा प्रबल प्रखर है, बड़ा प्रबल है। अभी जो मैंने आपको वो लिखाया है, ध्यान कराया है, इसको तुम नोट कर लो यार, तुमको कभी भी ये श्लोक जो है बहुत काम आएगा। कठोपनिषद अध्याय दो, कठोपनिषद अध्याय दो वल्ली एक, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1/13 श्लोक नंबर 13। कठोपनिषद अध्याय दो वल्ली एक श्लोक 13, श्लोक 13। उस गुरु सत्ता को बारंबार नमन जिनकी कृपा से आज का ध्यान संभव हुआ, आप सब लोगों ने किया। ओम नमो संताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादात्रिशिरोरुपाये पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वार्ष्ट शांतिर्भवतु।